गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी सुबह के 8:30 बज गए, बिस्तरे सबके इकट्ठे कर रही मैं और पूजा नाश्ता बना रही। वैसे तो मैंने चूल्हा भी जला दिया था गर्म पानी करने के लिए। गुड्डू नहा ली और गुड्डू चिंकी की आज छुट्टी है स्कूल की, ये जाएंगे शॉपिंग करने के लिए और छोटे 3 बच्चे जाएंगे स्कूल में। गुड्डू के पापा उसे लेकर चले गए हैं और बस आज ना अगर नाली का काम हो गया घर के सामने का तो ये सोने वाली प्रॉब्लम और खाने धोने वाली मतलब प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। कपड़े भी बहुत सारे हो जाएंगे हमारे तो 2-3 दिन के। तो चलो भाई अभी मैंने सारे कमरों में जो है बिस्तरे इकट्ठे करके यहाँ लगा दिए और इन्हें बता रही मगर बिस्तर इस तरीके से लगा करो इकट्ठे करके, क्योंकि ये अपने बिस्तर इकट्ठे करके वही छोड़ दे। एक कमरे में लगा दिए, स्टोर रूम तो है नहीं यहाँ भाई, देखो कमरों में ही एक तरफ पे लगा दिए तो थोड़ा सा जो है सामान मैनेज करके ना कमरा भी खाली खाली सा लगा है। भाई घर वालों को जितनी भी शादी की तैयारियों में लगे हैं सबको मैंने टाइम दे रखा था कि भाई 22 तारीख से पहले सब 20 पापा जी जो देखो 20 थी वा हाँ 20 थी कि भाई 20 तारीख से पहले सिलवाने के जितने भी कपड़े हैं वे सब टेलर के यहाँ पे चले जाने चाहिए ताकि इसी महीने के अंदर फरवरी में वो सिल के आ सके। लेकिन मैं ही लेट लतीफ हूँ और ये देखो ये कुर्ते रखे मेरे मैं सिलवाने के लिए देखा और 2 पजामे भी हैं है? ये खुलने ये थोड़े से वो हो रहे ये खुलने जैसे कि बड़ा साइज हो जाए ना खुला करे ये इनका मंडे वाले दिन का है, ये इनका हल्दी का है, ये हल्दी का है। चलो सिलवा जाओ बस पता कुछ नहीं काहे का है मुझे तो सिलवाने है बस जब भी मौका लगेगा जब भी पहन लेंगे है चिंकी है ना सही बात। चलो भाई मुझे शुभकामनाएं दो नए कपड़े सिलवाने के लिए। धन्यवाद बेटो शुभकामनाएं देनी ना हाँ शुभकामनाएं शुक्रिया। अभी बजे हैं 4 और चाय का टाइम, चाय बनी है काफी कड़क और पी लेते हैं फिर लगते हैं उथल पुथल में घर की जो काम चल रहा है। आज ना बाहर सड़क का काम चल रहा तो कई दिन तक पानी चलाना बंद है, कपड़े भी नहीं धुलेंगे, कल घेर में ले जाके धो लेंगे। उधर ना एक गड्ढा कर लेंगे पाइप के सामने तो वहीं पे ले जाके सुखा लेंगे अच्छा खासा जो है, वहाँ पे धूप भी होने लगी चौकी वगैरह सब कुछ बन गया और नुहा भी देंगे बच्चों को वहीं पे, क्योंकि भाई इतना सारा सामान घर ढोना भी वहाँ पे काफी लंबा पड़ जा रास्ता और कपड़ों प्रेस वगैरह जब तक ये काम शुरू होगा ना सड़क का मतलब चलता रहेगा और पानी नहीं चलाना हमें, टॉयलेट बाथरूम की जो है बड़ी दिक्कत हो रही। चलो भाई रे ये हो जाएगा बढ़िया, घर के सामने पानी नहीं भरने का, थोड़ी सी समस्याओं का सामना करके फिर भी ये साफ सफाई हो जाएगी। घर के सामने पानी भरा रहता बड़ा गंदा लगा था हमें और आप सबको, बीमारियां भी तो बहुत फैल रहे हैं खतरनाक खतरनाक बीमारियां, और हमारे साथ में हमारा नंदू भी लगा हुआ है साफ सफाई में ये देखो। तो पहले तो मैं पी लेती हूँ चाय, कड़क वाली चाय बनाई है गुड्डू ने और प्रीति लगी है अपने रूम में क्लीनिंग करने के लिए और फिर मैं भी आ गई थी। एक बार बीच में भी मुझे जाना पड़ा था क्योंकि वो जो संदूक था ना चौकट में वो आ नहीं रहा था, फिर भाई साहब ने किसी को भेजा था जो संदूक टंकी ठीक करे ना मिस्त्री जी। अभी बजे है 5:30 और मैं अपने रूम की आज सफाई कर रही हूँ। ये देखो मैंने ना यहाँ पे बहुत सारी चीजें चिपकाई थी, मैंने जब मैं छोटी सी थी ना तो मैंने यहाँ से पेंट करना चाहता पर वो मेरे पे हुआ नहीं, मैंने ब्लैक कलर कर दिया, जान पूछ के ब्लैक कलर करा मैंने क्योंकि मेरे जब से अभी तक ये निशान उतरे नहीं। और मैंने ना यहाँ पे अपनी कुछ पेंटिंग्स चिपका रखी थी जो मैंने खुद से बनाई थी, आज वो मैंने फाड़ दी क्योंकि वो बहुत गंदी लग रही थी, जो उनकी कॉटन वोटन थी ना मतलब मैंने ना बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी थी और मैंने वो सारी फाड़ के बाहर फेंक क्योंकि वो बहुत गंदी हो गई थी। और अभी मैं ना टेबल साफ कर रही हूँ, ये वाला वाला मैंने साफ कर दिया, अपनी अलमारी साफ कर दी, पर ये साफ कर दिया और मैंने अपना बैग भी टांग दिया। अभी मैं जैकेट पहनूंगी क्योंकि सर्दी होने शुरू हो गया शाम के टाइम। और ये देखो मैंने कितनी अच्छी तरह, हर बार कोई ना कोई मेरा रूम साफ कर दे और इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से ही अपना रूम साफ करूंगी। मैं बोलूंगी गाइस ये झाड़ू लगा रही है, कहाँ से लाई है कूड़ा? अच्छा और कहाँ लेकर जागी से? बस पता नहीं क्या चलता रहा इसका। तो भाई थोड़ा सा जो है अंधेरा होने जा रहा, सूर्यास्त हो गया और हम लोग लगे हुए अपने काम पे। स्टोर रूम की क्लीनिंग हो चुकी है और ये प्रीति ने सारे फ्लावर्स जो है धो दिए थे बच्चों ने यहाँ पे ढो दिए बाहर से क्योंकि बाहर झाड़ू लगाई थी तो धूल मिट्टी होती है। देखो बस ये साफ हो जाएगा तो तू फटाफट से रख देना, बस रखने बाकी है क्योंकि फिर बार बार मुझे चढ़ना उतरना पड़ा है। ले पाँव में झटका लगे, ये सारे इतने सारे नहीं रखे जाएंगे, उंगे भी रख देती थोड़े से। नहीं उंगा तो बहुत सारी शील्ड रखी ना। अच्छा बहुत सारे हो गए, ये रख सामने तो यहाँ प्रीति ये रख सामने तो, जहाँ तक नहीं रखा ये वाला गमला।
चलिए रख दे यहाँ। कल हमने ये गद्दे भरने के दिए थे, आज आ भी गए, तैयार हो गए, तागे मोंडे सब बंधेंगे, अभी ना बेड में रखेंगे मैं और गुड्डू। चलो भाई, ओए तो बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट हो रही है मुंह फूटेगा तेरा और कुछ नहीं है। ये देखो भाई, सबसे गंदा एरिया निकला है बेड के पीछे, चूहो ना क्या हाल बना रखा, गंदगी ठा रखी बिल्कुल। और अब इसे क्लीन करेंगे, बड़ी मुश्किल से तो इसे हमने खिसकाया और अब इसे और खिसकाना पड़ेगा, तभी तो मैं इसके पीछे जाके साफ सफाई करूंगी। चलो भाई कर देते हैं, इसे हटा देते हैं, बाकी सारा घर जो है क्लीन कर दिया और अब सोने वालों का टाइम हो रहा है। चारपाई इसलिए पड़ी, उन्होंने कह रही थी माँ इसे चारपाई को भी दो दो हाँ। तो इसमें जो है अभी डंडे में पर्दे लगाने रह गए थे, बाकी के सब पर्दे जो है प्रीति ने लगा दिए और पंखे वगैरह भी साफ कर दिए। अब की बार प्रीति बोल रही थी कि ज्यादा धूल मिट्टी नहीं है, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा धूल मिट्टी आती है। वैसे भी अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मतलब झाड़ू पोछा हुआ, क्लीनिंग हुई और बस पर्दे लगा दिए, फिर एक साइड का थोड़ा सा खोल के रखते हैं, उस साइड से इतना गंदा नहीं होता है। तो दोनों टाइम झाड़ू भी लगती है तो धूल मिट्टी बहुत कम निकली है घर में से। और जो बच्चों के कमरे अलग अलग है उन्हें करके हमारा फायदा हो गया है, क्योंकि सारे कमरों में इतना गंदा नहीं होता है। जितने भी कटिंग वगैरह वो करते हैं, जो भी कुछ एक्टिविटी बनाते हैं, वो उनके रूम से ही हम लोग रोज समेट देते हैं। क्या कह रहा माँ? यो इनको माँ पहले हमारा घर धुआ था, जहाँ भैया का है वो टूटा सा घर है नी उनकी साइड में, मगर तू तो यहीं पैदा होया, तू दंता तो यहीं रह रहे, उससे पहले तो हम चाहे कहीं कहीं रह लिए। तेरी मम्मी का तो घर प्रवेश भी यही हुआ था है भाई, पहले तो मुझे भी नहीं पता जितना सा पता। पहले तो वहाँ रहे थे, जाम ही थरना घर बनाए, कच्चा दुकड़िया था वहाँ, फिर वहाँ सबके डंगर बंधक रहते, हमने एक दुकड़िया भीतर ले लिया था उससे भी। वो टावर के सामने हमारा घर था पहले, उसके साइड में हमारे डंगर बंधक रहते। हाँ फिर बस यो और यो हमारा घेरता, वहाँ से लेके यहाँ तक हम पानी भरा ना करे थे। किसने बताया ना? इसके चाचा या पापा ने बता रखा है? इसके पापा नहीं बताते, इसके चाचा ने बताया। चाचा बता रहा है, पुरानी कहानी सुना हो जावे ना, बता हो जावे। कह रहे थे एक बार पंताली के नीचे तो पैसे पाए थे, एक बार के नीचे तो यू पाए था। ये क्या कर रही? इस कपड़े से का साफ सफाई कर रही है कमरे की। वो हो गया ना समझो, गुड्डू ने अपना कर रखा, तब अपना कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। और क्या माँ कौन सा करेगी? ना कोई नहीं, मैं तो जहाँ देखो वहीं लौट जाऊँ, मैं तो भी बेड पर लौटू, दुनिया लौटा काट पे इस तरह वहाँ कह रही नंदनी, मैं कह कोड सा आया तेरा कमरा ना, बहन गई तो सो और कहाँ सोती तो यही है मेरा कमरा और कहाँ होता। अब मुझे पता क्या कह रही थी, क्या फोन देखो जाओ, मुझे करना पड़ रहा सारा काम, मगर जब मैंने अपने मरला रखी तो करना नहीं पड़ेगा। तो ये करेगी और कौन करेगा? अरे मेरे गरीब बच्चे का लहंगा, अरे लहंगा पहनाओ रे से, ट्राई करवाओ रे हैं। और उसे ओ बाबू नहीं है ये बेटा हैं, ये बाबू नहीं है, अब ये लहंगा पहन के देखो क्या बन जाएगी। ट्राई कर रही, कुछ कमी होगी तो तैयार ठीक हो जाएगा। करो करो आराम से करो। और ये तैयार हो रहा है इधर, किसका? आरुषि का। ये चिंकी का था और ये गुड्डू का था, है देखो बन गया ना काम। ये क्या है पता है आपको? ये सेव चना है जो हमारे पौधों पे लगने वाला था, जो हमने सब्जी बो रखी घेर में है। इसका पापा। अच्छा देखिए इसका, अच्छा इसका यो पापा है, और बताओ। हाँ बताओ, विद फैमिली? अच्छा विद फैमिली है ये भी। ये सारे अगर उन पे ये देखो मम्मी पापा और बच्चे और ये सारे सब्सक्राइबर बता रहे। अरे बेटे कहाँ से सीखते हो तुम इतना ज्ञान भगवान। तो भाई ये है, मैं बता दूँ इस तरह की फलियाँ उन पे आती अगर वे और भी रुकते, अब पता नहीं आएगी या नहीं। और मैं ले आया हूँ ये कैंपर ठा के भाई, वहाँ पे लगे हैं लेबर सड़क निर्माण करने वाले, तो भाई पानी की आपूर्ति करनी ज़रूरी है ऐसे में, क्योंकि गर्मी होने लगी है। और ये डिस्पोजल ग्लास है बार बार कप ये इसमें से दाने निकलते हैं बेटे छोटे छोटे। बन गया ना काम तुम्हारा, तो देखियो हैं बिल्कुल एकदम हल्दी रसम जैसा है, पीला पीला है। अरे अपनी ये चुन्नी भी दिखा दे, दुपट्टा वगैरह जो भी है, हैं झिलमिल सितारा वाला हो गया ना ड्रेस है भाई मजे आ गए भाई। नंदनी के एक ड्रेस मिल गई रखी हुई अचानक से, वाह वाह दिखाइयो घुमा के। अरे ये खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं बेटे।
ऐसे तो होता रहता है। तो ये जो बेड वगैरह है ये अभी हटावेंगे मम्मी, और फिर मैं अपने सारा रूम साफ करूंगी क्योंकि ये बेड मेरे पास उठने का नहीं। और मैंने अपनी टेबल एकदम चमका दी, ये देखो गाइस, ये मैंने एकदम लगा दी। ये कान्हा जी की कपड़ों की बास्केट है, ये कान्हा जी की ज्वेलरी है, ये कुछ ऐसे उसमें लोटे के ऊपर ये रखा है, हनुमान जी की मूर्ति है। अभी मैं ये सब साफ करूंगी। कान्हा जी का है तो ये धूरा था आज, तो मैंने इसे ना थोड़ा सा गिल्ला कर लिया, फिर धो जाएगा, ये कोई बात नहीं है। तो गाइज ये है मेरी BTS वाली डायरी, ये मैंने ऑर्डर करके मंगाई थी। जब मैंने देखा था ना तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने ऑर्डर करके मंगाई। और मैंने ना आज तक इसमें 2-3 पेज लिखे सिर्फ, और वे भी लिखे माय फेवरेट फूड, माय बर्थ डेट, अबाउट माय सेल्फ, सिर्फ यही लिख रखा। और ये है मेरी अलमारी की चाबी। ये आ गई सोनिया, और कह रहे थे सोनिया नाराज होकर चली गई, बबली ने उसे भगा दिया। उसकी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम है अपनी लाइफ का, देखो यहाँ सारा थोड़ा भी ना बतावांगे। वो अपनी दवाई लेने के लिए गई थी, तो सब अभी ऐसे लगा आप लोगों को सोनिया नाराज होकर चली गई। ये सोनिया अपना लहंगा तरवा के चली गई, लहंगा टुकड़ा गई, वो फोन पड़ेगा फिर उसे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो और आज खरीदारी होगी पूजा पूरी तगड़ी वाली। पूजा रुद्दू चिंकी नंदनी आरुषी, और मम्मी सानू कह रही कि वहां बाजार में जाके नूना कह रही ये भी ले लू वो भी ले लू, अब जो पसंद आएगा वो तो लेंगे ही। तो चलो भाई देखो चूल्हा कितना बड़े चल्ला, जितने भी लकड़ी के गुटके थे ना कटे पिटे सब मैंने कट्टे में कट्टे कर दिए, जब नीचे साफ सफाई करी थी। हाँ भाई ये कूड़े का ढेर जाना आज कहते हैं, मुझे बढ़िया लग रहा है, खाना लगाओगे सर डालिया। हाँ साइकिल पर रख, नहीं तो किसी की रेड़ा गाड़ी लिया। अरे यार एक बंदा ये सोचा अब भाई नाराज होगा चलेगा, देखा भाई ये पाव होगा वो होगा, और ये पता कितनी प्रॉब्लम हो रहा है सबकी लाइफ में। मौसम है कुछ ऐसा जैसा हमने सोचा था, बारिश का नहीं है, सिर्फ हो रहा है मौसम में, और हवाएं चल रही ठंडी। हम हल्के में ले रहे थे मौसम को, कपड़े गर्म उठा कर रख दो बच्चों के, अब तो धूप अच्छी खासी होने लगी, तो सारे कपड़े गर्म रख दिए इन्होंने बच्चों के भी, और मौसम देख लो तो उसके अकॉर्डिंग जो है। चलो भाई अब फटाफट से रेडी हो जाओ, 9 बजे का टाइम दे रखा, देखो जी 8:30 बज गए, और भाई साहब और गुड्डू के पापा जाएंगे छोटे वाली बुआजी के यहाँ पर, उनकी पोती की इंगेजमेंट है, और हम लोग जाएंगे मुजफ्फरनगर के मार्केट आज। फिर बस मैं अकेली रहूंगी घर, आज सोनिया घर रहेगी। इसकी शॉपिंग होगी, घर भी तो कोई ना कोई बंदा जरूर चाहिए होता है। तो चलो भाई, तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कोई गिला कोई शिकवा नहीं, कर देते हैं यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।